हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत ड्राइवर्स, कुवैत कार वॉशिंग वर्क कुवैत में कैसे होता है। फिलहाल आप एक कमेंट को पढ़िए। इस कमेंट में लिखा हुआ है कि मैं कुवैत में ड्राइविंग की जॉब के लिए आया था, लेकिन मुझसे कार वॉश कराया जा रहा है और कार वॉश करने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है, धूप में काम करना पड़ता है। तो आज हम इसी से रिलेटेड आपको अपडेट बताएंगे। कुवैत में ड्राइवर्स की बहुत सारी कैटेगरी है, तो अगर आप ड्राइवर्स के काम के लिए आने के लिए सोच रहे हैं कुवैत में, तो बहुत सारी कैटेगरी के हिसाब से आज ये पहली ऐसी कैटेगरी है जिस टॉपिक पर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो कुवैत ड्राइवर्स कार वॉशिंग वर्क के लिए क्या है ना कि जो भी आपको यहां पर वीजा मिलेगा, तो एज ए ड्राइवर्स का वीजा मिलेगा, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपका कफील बनवा के देगा, आपको एक गाड़ी देगा, आपके साथ दो तीन हेल्पर होंगे या दो या तीन हो सकते हैं, आपको मिला के चार हो सकते हैं, आपको मिला करके दो भी हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनकी छोटी सी कंपनी जो होती है वो ऑर्डर लेती है, जैसे कि उनकी किसी लोकेशन पे ऑर्डर आया कि कफील की गाड़ी को साफ करना है, कोई भी हो सकता है वो अपनी गाड़ी को साफ करा सकता है, तो वो लोकेशन आपको मिल जाएगी, उस लोकेशन पे आपको जाना रहेगा गाड़ी ड्राइव करके, और साथ में उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद उस कार को आपको धुलना है। आपके पास जनरेटर सुविधा से लेकर के हर एक सुविधा, केमिकल वगैरह सब कुछ रहेगा दाग धब्बा छुड़ाने के लिए। जो भी इस तरीके से छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, कुछ बड़ी भी कंपनी हैं जो आपके लिए इस तरीके से वर्क प्रोवाइड करती है, तो वहां पर आपको जाकर के कार को वॉश करना है। अब वहां पर जिसकी कार का, जो भी कार का ऑनर है, वो अपनी कार को अंदर से साफ़ करवाता है, बाहर से साफ़ करवाता है, उसके चार्जेस होते हैं, उसके चार्जेस आप लेते हो, आप फतूरा देते हो, या वो कफील यानी कि ऑनलाइन पेमेंट भी करता है कि नहीं करता, वो एक अलग का प्रोसेस है, लेकिन आपको कार वॉश करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कार वॉशिंग की कैटेगरी देखी जाए, तो सर्विस सेंटर पे भी कार वॉश होती है, और जहां पर कार धुलती है वो जो सेंटर होते हैं वहां पर भी वॉश होती है। इसके अलावा पेट्रोल पंप पे भी आप कार को धुलवा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ड्राइवर्स और हारिस खुद अपने घर की, अपने कफील की कार को धुलते हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है ना कि इन लोग की रिक्वायरमेंट हो जाती है कि नहीं, हम किसी कंपनी से आदमी बुलवा करके अच्छी तरीके से केमिकल से दाग धब्बा जो भी रहता है साफ करवाएंगे गाड़ी को अंदर बाहर से। तो ऐसी कंडीशन में ये कुवैत ड्राइवर बस की कार वॉश की जॉब है। अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि ड्यूटी क्या रहेगी और सैलरी वगैरह क्या रहेगी, इसके अलावा कैसे वर्क करना पड़ेगा और मौसम वगैरह का क्या हालचाल रहेगा कुवैत का। सबसे पहले जानते हैं मौसम के बारे में। कुवैत में सर्दी भी पड़ती है अच्छी खासी, ठीक ठाक, उसी में बारिश भी होती है थोड़ी बहुत, और बारिश में गाड़ियाँ गंदी होना एक लाजमी बात है। इसके अलावा यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और कार वॉशिंग में काम में क्या है ना कि भाई आपको बाहर काम करना पड़ेगा, तो पसीने में मामला रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे रतुबा वगैरह भी रहता है, तो रतुबा में क्या ना चिपचिपाहट से गर्मी होती है, तो उसमें परेशानी होती है थोड़ा बहुत काम करने में, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगा, दूसरी चीज़ ये है कि ड्यूटी का क्या टाइम रहेगा, करीबन 10 से 12 घंटा आपको ड्यूटी करना पड़ेगी। इसके अलावा इसमें फैसिलिटीज़ जो रहती है, ऑर्डर आएगा तो आपको जाना है, अगर ऑर्डर नहीं आएगा तो आपने रूम पर जहां पर भी आपको वो जो कंपनी है या जो भी आपका ऑनर है वो देगा, वहां पर आप आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका जब काम आएगा तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा। अब कभी काम ज़्यादा आता है तो कभी काम कम आता है, वो एक अलग की बात है, आप लोग सैलरी बेस पे काम करोगे। अभी इसमें वर्क जो कर रहे हैं या इन फ्यूचर करना चाहते हैं, तो इसमें और भी अदर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं सैलरी से एक्स्ट्रा, वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो ये तो हो गया आपका ड्यूटी पीरियड 10 से 12 घंटा, और आराम करने का ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, उसी हिसाब से आप आराम कर सकते हो। इसके अलावा सैलरी से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। जैसे बहुत से लोग हेल्पर में अगर आ रहे हैं तो वो 100-120 के दायरे में आते हैं, शुरुआती एकदम लेटेस्ट एकदम तरीके से आप बस पहुँची रहे हो तो 100-120 के आधार पर। अगर कोई ड्राइवर्स के उसमें आ रहा है तो उसका भी 100-120-140 ऐसे ही होता है जब वो ड्राइवर्स बन जाता है। और ड्राइवर्स में क्या है ना कि लोकेशन पर आप एग्जैक्ट पहुँचते हो, सही कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी 200 तक भी चली जाती है। बहुत बहुत ड्राइवर्स जो होते हैं 250 दिनार तक उसमें पाते हैं, और हेल्पर जो होते हैं वो 120 से लेकर के 150-160-170 तक भी पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर शुरुआती दौर में आपको सैलरी कम दी जाएगी, धीरे धीरे आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। तो ड्राइवर्स में जो आ रहे हैं कार वॉशिंग में, उनके लिए बेनिफिट्स है कि हेल्पर का काम भी उनको करना पड़ता है, यानी कि कार को वॉश करना पड़ता है,
आपकी गाड़ी में पानी से लेकर के साबुन से लेकर के हर एक चीज़ शैम्पू वगैरह सब मुहैया रहेगा, वो आपको कंपनी या आपका जो भी ऑनर है वो देगा। तो इस तरीके से आपका ड्यूटी कैटेगरी हो गई और ड्यूटी कैटेगरी के बाद मौसमी कैटेगरी हो गई। अब बात कर लेते हैं आपके एक्स्ट्रा इनकम की। एक्स्ट्रा इनकम का सिस्टम ये है, अब देखिए सैलरी को मैंने अपडेट ही कर दिया, अब एक्स्ट्रा इनकम की बात करते हैं। तो एक्स्ट्रा इनकम में क्या ना कि जिस भी कफील के, अब देखिए हर एक जगह इक्वल नहीं हो सकता, कहीं कहीं आपको घट बढ़ सकता है, कहीं मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगा। तो इसमें कार वॉश करेंगे तो कहीं कहीं आपको कफील की तरफ से हदिया वगैरह भी मिलता है। हदिया का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको एक दो दिनार मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया। तो वैसे फ़िलहाल सभी लोग सेम नहीं होते, कोई कोई देता है कोई कोई नहीं देता है। तो अगर जो मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका फ़ायदा ही हो गया। तो इस तरीके से आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। तो कुवैत में ड्राइवर्स की बहुत सारी कैटेगरी है, एक कैटेगरी कार वॉश की भी है, एक छोटी सी कंपनी होती है, एक छोटी सी गाड़ी होती है। ये सारी एक्टिविटी उसी गाड़ी के आधार पर होती है। पूरे कुवैत में आपको घूमना टहलना लोकेशन पर काम करना होता है। तो कार वॉश से रिलेटेड ये एक अपडेट थी छोटी। दूसरी बात मैंने आपको जो सबसे पहले कमेंट में बताई, कमेंट में अगर आप जिसने भी कमेंट किया मैं नाम भूल गया उनका, तो अगर आप कुवैत में ड्राइवर्स की जॉब करने के लिए आए थे और कार वॉशिंग का वर्क कर रहे हो भाई ना, तो गर्मी में करना पड़ेगा, गर्मी भी सर्दी भी बरसात भी करना पड़ेगा, कुछ दिन आपको झेलना पड़ेगा, रतूबा में भी आपको काम करना पड़ेगा, पसीना आपको बहाना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं ना। और एक ये एक कैटेगरी है जॉब की, अब इस कैटेगरी में ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा, इसको मान के चलिए। हाँ, आप यहाँ पर कुछ दिन रहिए, उसके बाद फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद आप अलग जॉब में ट्रांसफ़र ले लीजिए, वो बात अलग की। तो आज की अपडेट के आधार पर मैंने जो आपको अपडेट दी, अगर लगा आपको कि इसमें कुछ छूट गया है तो कमेंट करिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें लगेगा कि कमेंट्स का जवाब देना चाहिए तो जवाब दे दूंगा, नहीं तो मैं वीडियो उससे रिलेटेड ज़रूर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको रोज़ाना नोटिफिकेशन के जरिए से सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।